نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज हम इंशाअल्लाह ताला सेकंड पारा शुरू करेंगे आयत नंबर 142 से। अब अपने अपना हम शेयर करते हैं स्क्रीन। सयकुलू सीन जो है ये हर्फ है, इसका मतलब होता है अनकरीब। और यकूलू ये फेल है, फेल मुदारे। हमने मुदारे क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर या से शुरू हो रहा है और हमने पहले भी बताया था कि कोई भी फेल जब वो या नून अलिफ या ता से शुरू होता है तो फेल मुदारे होते हैं, जिसका मतलब फेल है या तो वो फ्यूचर है या फिर वो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब सयकूल आ जाता है तो इसका मतलब ये कि अनकरीब का मतलब है, तो देन इट विल बी इन द फ्यूचर टेंस। जब ये फ्यूचर टेंस में होगा हम इसको ये नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर है सयकुलू, वो अनकरीब वो कहेंगे, कौन कहेंगे? सुफहाऊ, बेवकूफ। हम ये पहले पढ़ चुके हैं शुरू के पार शुरू फर्स्ट पार में। मीनन नासी मिन से नासी लोगों, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ लोग लोगों में से माँ किस चीज ने। वल्लाहुम, वल्ला फेर दिया, वल्ली तो वल्ला इसका मतलब होता है फेर देना, तो वल्ला फेर दिया हुम उनको, किनको? मुसलमानों को। अन से किबलती, किबला से हिम उनके। अल्लती वो जो, अब देखें किबलती आया है क्योंकि मुअन्नस है तो इसीलिए अल्लती भी आया, ये भी मुअन्नस के लिए आते हैं। अल्लती जो कानू वो थे वो अलैहा जिस पर, अलै ऊपर हा जिसके। कुल कह दीजिए लिल्ला ली लिए अल्लाह ही अल्लाह के अलमशरिको मशरिक वल वा और अलमगरिबु मगरिब। यह दी वो हिदायत दिखाता है या राह दिखाता है मन जिसे यशाऊ वो चाहे इला तरफ सिरातिम मुस्तकीम रास्ते के सीधे। अच्छा यहाँ पर हम ये बताते हैं कि ये जो आयत है ये अभी हमने शुरू किया है ये पारा, तो इसमें सबसे बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो किबला चेंज होने की बात हुई है, और अभी किबला चेंज नहीं हुआ था। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने जब मक्का में थे तो बैतुल्ला की तरफ रुक करके जब वो हतीम में खड़े होते तो उनके फेस उनके सामने बैतुल्ला होता और उनके राइट साइड पर बैतुल मुकद्दस होता था। तो इसकी तरफ इस जग का मतलब था कि वो दोनों किबलतें इनकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब और उनको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पर जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ गए, यानी कि जो मतलब कि बैतुल्ला और बैतुल मुकद्दस पूरे जैसे अपोजिट डायरेक्शंस में थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही खफी से अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसका वही के नहीं पता चलता कहीं पे, तो वही खफी से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज का पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारे मुसलमानों ने आप बैतुल मुकद्दस की तरफ जो थे नमाज रुख करके नमाज पढ़ते थे,
और ये तकरीबन 16 to 17 months तक ऐसा मतलब उसी तरफ उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। लेकिन फिर जब अभी किबला चेंज नहीं हुआ था, अब अल्लाह ताला चाहते थे कि किबला जो है वो बैतुल्ला ही हो, तो अल्लाह ताला पहले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इन आयात में वॉर्न कर रहे हैं कि जब किबला चेंज होगा, जब आपका बैतुल्ला ही किबला हो जाएगा, तो फिर जो है आप देखेंगे कि अनकरीब ये लोग जो बेवकूफ लोग हैं वो बहुत ज्यादा फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो उसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है इन आयात में। तो ये बताया जा रहा है कि सयाकुलु सुफहाउ, क्योंकि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आखिरी नबी थे, उनको पता था कि हर नबी का जो किबला है वो बैतुल्ला ही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हम पीछे पढ़ कर आए कि उन्होंने बैतुल्ला बनाया, जो दोबारा तामीर किया था, फोर्थ टाइम जो हमने पढ़ा था। और फिर जो है हर नबी का किबला यही था, लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उनके दौर में उन्होंने हैकल सुलेमानी बनाया बैतुल मुकद्दस को, वो भी बहुत अजमत वाला था। तो लोग फिर उसके बाद जितने भी अंबिया आए उन्होंने, बनी इसराइल के लोगों ने भी फिर बैतुल मुकद्दस ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, तो वहाँ पे जब अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, तो उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बैतुल्ला ही है हर नबी का जो है फोकल पॉइंट, जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। तो वो इस चीज़ के हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे उनका चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठता था कि कब हुक्म आए और कब बैतुल्ला उनके लिए अल्लाह ताला हुक्म दे कि वो बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। तो ये इनका बैकग्राउंड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं बहुत थोड़ा बताती हूँ तफसीर, क्योंकि ये एक्चुअली मेन कुरान जो हम पढ़े हैं ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब ये जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किसने किया था, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और उनके बैतुल मुकद्दस ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, तो जो मुसलमान नए नए मुसलमान हुए थे और उनमें जैसे उल्मा में से जो है अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे यहूदी उल्मा में से, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। तो यहूदी उल्मा को भी ये बात जरा ठीक लगती थी कि अब तो ये बिल्कुल हमारे ही बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, तो दे वर ओके, राइट। तो अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की हिकमत हो सकती है, वल्लाहु आलम, के जो इतने अरसा तक आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बैतुल मुकद्दस ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ें, तो बाकी जो उल्मा थे उनको ये बात पता थी, लेकिन उन्हीं उल्मा ने जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाला और मुसलमानों के अगेंस्ट जो है इसका बहुत शोर शराबा किया। तो उस बात को यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब वो ऐसा अनकरीब ऐसे जो सुफहा जो हैं बेवकूफ़ लोग, और ये ज़्यादा किसकी तरफ इशारा है, उलमा यहूद की तरफ, कि वो कहेंगे कि किस चीज़ ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को फेर दिया उस क़िबले से जिसकी तरफ वो रुख करके नमाज पढ़ते थे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनके इस प्रोपेगेंडा इनके इस शोर शराबे पर आप पर कोई असर ना हो, आप जस्ट उनको इग्नोर करें और फिर इसका जवाब ये दें कि कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, वो रहनुमाई फरमाता है जिसको वो चाहता है और सीधे रास्ते की तरफ। तो किबला जो है ये सीधा रास्ता है, बैतुल्ला जो है उसके तरफ रुक करना यही सीधा रास्ता है। वह और कदालिका, इसी तरह जाला बनाया ना हमने कुम तुमको, अल्लाह ताला ना की जो ज़मीर है ये किसकी तरफ है, अल्लाह ताला की तरफ, और कुम की ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि इसी तरह बनाया हमने तुमको और मुसलमानों को उम्मतन उम्मत वसतन, बीच की, वसत किसको कहती है, दरमियाना पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट होता है कि भी किसी भी चीज का, वो उसको वसत कहती है। ये बहुत वसी वर्ड है, इसका मतलब समझें कि
जैसे बैलेंस, जिसमें सबसे ज्यादा बैलेंस जो होता है वो बिल्कुल मिडिल पोर्शन में होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आपको उम्मते वसत बनाया है, क्योंकि ये किबला चेंज करने का मकसद क्या था कि अब उनसे जो बनी इसराइल से जिनको अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी, और हम ये पूरा उनका वाकया पढ़कर आए अभी तक उम्मते, हमने जब शुरू की थी तो हमने कहा था कि सूरह बकरा पहला हिस्सा जो है वो दो उम्मतों के बारे में इसमें जिक्र किया गया। तो पहली उम्मत मुस्लिमा जो थी बनी इसराइल, उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब जो है उम्मत वसत जो बनाया गया कि अब उनसे मनसब, उनसे मिशन लेकर, क्योंकि उन्होंने इतनी नाफरमानियां जो अल्लाह ताला की जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अब उनसे ये मनसब लेकर अल्लाह ताला ने ये मिशन जो है उम्मते वसत चुन लिया मुसलमानों को, उम्मते मुहम्मदिया को। और इसलिए जो है उनके ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। इसका ये बताया जा रहा है कि वो किस हर लिहाज से उम्मते वसत हैं, उम्मते मुहम्मदिया। चाहे कोई भी दुनिया जिंदगी का आप फील्ड ले ले, मजहब में, इबादात में, इकोनॉमी में, हर लिहाज से उम्मते वसत एक बैलेंस्ड उम्मत है जो अल्लाह ताला ने चुना है। और ये हमें टाइटल दिया जा रहा है कि अब उनसे ये मनसब लेकर, मिशन लेकर अब उम्मते वसत पे ये जिम्मेदारी डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है? ली ताके तकुनु, तुम हो जाओ शुहदा गवाह अला ऊपर नासी लोगों के, वा और यकुना हो रसूलु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम ऊपर तुम्हारे शहीदा गवाह, वा और मां नहीं जालना बनाया, जाला वही आ गया, जालना बनाया हमने किबलता किबले को अल्लती जो कुंता। देखिए यहाँ पर ता के ऊपर फतह है, इसका मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि ये रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जमीर सेके आमिन के सेकेंड पर्सन तुम मेल वाहिद, ठीक है। तो इसका ये जो हमने जो अनमता के इनाम किया तूने, राइट, तो ता जो है ता के ऊपर फतह आती है, तो इसका मतलब तुम सेकेंड पर्सन मेल सिंगुलर। अल्लती था तू, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, अलई अला ऊपर हा उसके, इल्ला मगर, ली ताके ना, नून की जमीर अल्लाह ताला की तरफ है, ना लमा ताके जान ले हम, कौन जान ले, मन कौन है, यत तबेउ पैरवी करता है। देखिए यहाँ पर वही फिर आ गया कि यत तबेउत इतबा करना, पैरवी करना, कौन पैरवी करता है, अर रसूला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम मन उससे जो, मिन ये मिन और मन दो लफ्ज हैं, मिम मन उससे जो, यंग कलीबू कलब भी लफ्ज जो हम दिल को कलब कहते हैं, इसका मतलब है कि फिर जाना। कल्ब को कल्ब, दिल को कल्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लिए जो इमोशनल स्टेट होती है ना, हर वक्त उलटता पलटता रहता है दिल, तो इसको इसलिए दिल को कल्ब भी कहते हैं। और ये इसके लिए यहाँ पर आए कि कौन फिर जाता है अला ऊपर अकी बई, यहाँ पर जो है अकब कहते हैं एड़ियों को, और ये बई का जो है ये सीगा अकबईन था, यानी कि दो एड़ियां और तस्निया है ये, तो नून गिर गया, इसके साथ ही की जमीर आ गई, यानी कि आकी बई ही, कि कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों के, वा और इन ये कानत है, या कानत है, ये भी मुअन्नस का सीगा आ रहा है, आगे हम देखेंगे क्यों मुअन्नस का सीगा आ रहा है, बेशक और है ये लकबीरत, ला अलबत्ता जरूर, कबीरतन बहुत कबीर, बहुत बड़ी बात, इल्ला मगर अला ऊपर अल्लजीना उन लोगों के जो, हदल्लाहु हिदायत दी अल्लाह ताला ने, वा और मा नहीं काना है, अल्लाहु अल्लाह ताला ली के
युदियो कि वो जाया कर दे ईमाना ईमान कुम तुम्हारा। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह भी साथ नासी लोगों के ला अलबत्ता जरूर रऊफ़न बड़ा शफकत करने वाला है और रहीम बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि आप जो है प्रोपेगेंडा के शोर में इनके शोर में बिल्कुल ना आए और इनको बहुत इग्नोर कर दें, और फिर जब किबला चेंज होगा और आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही का है मशरिक भी और मगरिब भी, चाहे हम जिस सिमत भी हो अल्लाह ताला हर जगह पे अपनी सिफात के साथ, तो मशरिक और मगरिब तमाम के तमाम शुमाल जुनूब सब अल्लाह ही के हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई जिससे चाहता है अपनी रहनुमाई करता है सिरात मुस्तकीम की तरफ। और फिर फरमाया कि इसी तरह हमने आपको उम्मते वसत बना दिया, किस तरह जैसे उनको एक बनी इसराइल को उम्मते बहुत फजीलत वाली उम्मत बनाया था, तो अब उनसे मनसब लेके उम्मते मुहम्मदिया को दिया जा रहा है उम्मते वसत बनाकर। क्यों बनाया? ताकि तुम शहीद तुम गवाह बन जाओ लोगों पर, और ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो और पैगंबर तुम पर गवाह बने। क्या मतलब कि देखिए हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ठीक है, उनके बाद कोई नबुवत खत्म। अब तो ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आना था क्योंकि अल्लाह नोज एवरीथिंग, और ना ही जो है किसी रसूल ने आना है। तो अब जो है आगे रहती दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया को उम्मते वसत बनाकर इसीलिए छोड़ा ताकि हम लोग अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों पर गवाह बने कि हम ए अल्लाह हमने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है, जैसे अंबिया ने रसूल अपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। अब नबी के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिम्मेदारी हम पर डाली जा रही है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रहती दुनिया तक मुसलमानों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि उम्मत वसत बनाकर कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ताकि लोगों पर तुम गवाह बनो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाही दें कि अल्लाह के मेरी उम्मत ने अपना फरीजा निभा दिया, जैसे इन्होंने मैंने तेरा फरीजा निभाया, इन्होंने जो है मेरी जो जिम्मेदारी तूने डाली थी कि मेरे बाद ये जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो रसूल सल्लम उसकी गवाही दें। इसी तरह कहते हैं कि क़यामत के पास जब हर नबी, अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कि हर नबी अपनी कौम के साथ आएंगे और वो गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने अपनी अपनी कौम को तेरा पैगाम पहुंचाया, लेकिन उनकी कौम जो है जब उनसे पूछा जाएगा तो वो निगेट कर देंगे कि हम नहीं पता, सिवाय उम्मते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो कहेंगे कि वो गवाही देंगे तमाम अंबिया की जब उनसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता तुम उम्मते मुस्लिमा तो सबसे आखिर में आई है, तो वो कहेंगे कि इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के हमें सारी बातें पता चली हैं। तो ये है गवाही देने वाली बात जो यहाँ डिस्क्राइब की जा रही है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने दूसरा ये बता दिया कि हमने कायम और हमने कायम किया या बनाया हमने किबला किबले को अल्लती जिस पर आप थे, यानी कि बैतुल्ला की तरफ आपका किबला तो बैतुल्ला था जब मक्का से मक्का में थे, तो उसके बारे में है कि हमने आप बनाया किया था हमने किबला जो था तू जिस पर, इल्ला मगर ताकि जाएं ताकि हम जान लें कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों पर वापस पलट जाते हैं। क्योंकि बैतुल्ला को अल्लाह ताला ने जो है दोबारा किबला बनाकर ये देखना चाहते थे अल्लाह ताला, ये मुसलमानों की भी आजमाइश थी, जो नए मुसलमान हुए थे उनकी आजमाइश थी कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करता है और कौन नहीं करता, ये बहुत बड़ा टेस्ट था। इसीलिए इसको फरमाया कि बेशक ये बात थी बहुत बड़ी सिवाय उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जिन यानी के जो उलमाए यहूद थे उनको ये बात पता थी लेकिन उन्होंने हिदायत नहीं मानी, इसीलिए उनके लिए ये जो है टेस्ट
में वो नहीं कामयाब हुए। और फिर उसके बाद जो है उसी बात में कहा गया कि ये अलबत्ता बहुत बड़ी बात थी उन लोगों के लिए, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला ने जिनकी रहनुमाई फरमाई। और फिर अल्लाह ताला फिर जब जब ये किबला चेंज हुआ तो बहुत मुसलमानों के दिल में यह ख्याल आया कि अब जो लोगों ने 16-17 महीने तक जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, बैतुल्लाह की तरफ रुक नहीं किया, तो अब उनकी अगर वो इस दुनिया में नहीं भी हैं या अगर हैं भी तो क्या उनकी नमाजें, फिर उनका क्या होगा, उनकी नमाजों का तो वो क्या ज़ाया हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला नहीं जाया करेगा ईमानुकुम। यहाँ ईमान किसको कहा गया, नमाज को, क्योंकि नमाज ईमान का सुतून है। तो ईमानुकुम के नहीं जाया करेगा अल्लाह, हरगिज नहीं जाया करेगा अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारे ईमान को, क्यों, बेशक अल्लाह ताला बहुत रऊफ और बहुत रहीम है अपने बंदों के लिए। कद तहकीक नरा, हम देखते हैं, तकल्लुबा, देखिए यहाँ पर इन आयात में ना बहुत सारे वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं, तो अगर आप जरा सा भी गौर करेंगे ना तो आपको ये बातें बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। एक दफा पहली आयत को जरा सा मतलब के साथ, तर्जमे के साथ, वर्ड टू वर्ड के साथ सीख लेंगे ना तो बाकी आयात को सीखना, याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही वर्ड आया, पहले आया था कि ताकि हम देख लें यंग कलीबू कि कौन फिर जाता है, यहाँ पर आया है तकल्लुबा, तकल्लुबा कि यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 144 में, कद नरा, कद तहकीक, बेशक नरा, हम देखते हैं, देखें देखें ना की जो जमीर है ना ये अल्लाह ताला की तरफ है। हमने कहा था ना कि अभी भी आपको बताया था मुदारे में नून अलिफ ता या ये सारे जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोनाउंस को, राइट। तो ये नून जो होता है ये हम के लिए आता है और यहाँ पर हम अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहे हैं नरा ताकि हम देखते तकल्लुबा कि कौन पलटता है या कौन फिरता है वज ही चेहरा, वजह चेहरे को कहते हैं का आपके यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हम देखते हैं हम फिरता हुआ चेहरा वजह का आपका, फिस समाई आसमान की तरफ, पस ला अलबत्ता नुवलिया हम अलबत्ता जरूर ना हम वलिया फेर देंगे का आपको, जरूर हम फेर देंगे तुझको किबलतन किबले की तरफ तर तुझको रदौर जिससे खुश हो जाए हा जिससे, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हम देखते हैं आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ ताकि हम फेर दें तुझको उस किबले की तरफ तर दुआ जिससे तू खुश हो जाए, फवली पस फेर लो वजह चेहरा का अपना शतरा तरफ अल मस्जिद हरामी मस्जिद हराम के व और हैसु जहां कहीं पर माँ के कुंतुम हो तुम, फवल्लू पस फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे अपने को शतरहु उसकी तरफ, व और इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो ऊतु दिए गए, देखिए यहाँ पर जो ना अलिफ के ऊपर फतह है इसका मतलब है कि ये प्रोवर्ब है, जैसे मजहूल जिसको कहते हैं, ऊतु दिए गए हैं अल किताबा किताब ला अलबत्ता या अलमुना वो जरूर जानते हैं, देखिए यहाँ पर फिर या आ गया यानी कि वो जमा गाइब, यहाँ पर या अलमुना
वो जरूर जानते हैं, अन्ना बेशक हु वो अलहक को हक है। हु किसकी तरफ है, यानी कि किबला जो है जिसकी तरफ मुंह फेरा जा रहा है उसकी तरफ, उसकी उसको हु की जमीर उसकी तरफ है। अलहक को हक है मिन से रब्बी हिम रब की तरफ से हिम उनके, वा और माँ नहीं अल्लाहु अल्लाह ताला भी गाफिलिन बिल्कुल गाफिल बेखबर अम्मा उस चीज से जो यामलूना वो अमल करते हैं। अच्छा यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम देख रहे हैं आपका, आप देखते हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम देखते हैं आपका चेहरा बार बार उठता हुआ आसमान की तरफ। बस आप क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे हमने पहले बताया कि नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, उनको पता था कि हर नबी का जो है मतलब कि किबला बैतुल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमान की तरफ अपना चेहरा उठा के इंतजार करते थे कि कब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आए के, और मदीना की बात है कि और आपके बैतुल्ला की तरफ तुम होके नमाज पढ़ो। तो उस चीज को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हम देखते हैं आपका चेहरा उठता हुआ आसमान की तरफ। बस अब हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने फला नुवल्ली का एक की तरफ, यानी कि सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ कहा जा रहा है कि आप बस अपना चेहरा फेर लें उस किबले की तरफ जिसकी जिससे तू पसंद करता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बहुत मोहब्बत थी, जाहिर है पैदा हुए थे तो मतलब जब मक्का छोड़ रहे थे तो आप वाज लाइक लिटरली क्राइंग के ए मक्का मुझे तो उससे बहुत मोहब्बत है लेकिन यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते। तो आप को ज़र बैतुल्ला से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उस अल्लाह ताला ने उनकी इस चीज़ को, उनकी जो आसमान की तरफ बार बार उठना था उस चीज़ को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि बाबा अपना चेहरा उस किबले की तरफ कर ले जिससे तू पसंद करता है, और फिर बस फेर लो आप अपना चेहरा किस तरफ, शतरा तरफ कहते हैं मस्जिद हराम है मस्जिद हराम की तरफ। शतरा का मतलब होता है तरफ एक, यानी कि देखिए ये वाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था कि किबले का चेंज होना, क्योंकि किबला क्या है, एक सिमत है, एक डायरेक्शन है, और ये फोकल पॉइंट है जो जब इंसान किसी कोई भी काम करता है तो उसका जब भी उसको फोकस जहां पे होता है तो से ही काम करता है ना। तो एक किबला फोकल पॉइंट को अल्लाह ताला ने बैतुल्ला बनाया, और बैतुल्ला पूरे हमेशा से इसीलिए इट्स इन द मिडल ऑफ द पूरी यूनिवर्स में आप देखें इट्स इन द सेंटर। तो और पूरे तमाम के तमाम मुसलमानों का ये फोकल पॉइंट है, फोकल डायरेक्शन है जो जो अल्लाह ताला ने, अगर अगर डायरेक्शन ना हो तो यूनिटी ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो है बैतुल्ला की तरफ, चाहे आप कहीं पे भी हो आपने बैतुल्ला शरीफ बैतुल्ला ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। और ये है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताती है कि वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, जो ये इतनी अल्लाह ताला ने पूरे दो रुकू इस टॉपिक के बारे में नाजिल फरमाए। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना चेहरा उस तरफ फेर लें मस्जिद हराम की तरफ, और फिर आगे जो है यहाँ पर देखें फवल्लू आया है, तो दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म, पहले था फवल्लियन्नका का था आपकी तरफ, अब यह वल्लू सब की तरफ, यानी कि तमाम मुसलमानों की तरफ, कि तुम जहाँ कहीं पर भी हो, अब ये वल्लू कह के तमाम मुसलमान को कह दिया कि जहाँ कहीं पर भी हो तुम जहां कहीं पर भी तुम हो, बस तुम अपने चेहरे को फोकल पॉइंट की तरफ फेर लो, यानी कि अपने चेहरे को उस तरफ फेर लो। शतरा जो होता है ना, शतर का मतलब है कोई डायरेक्शन। और वह इन लजीना, और यहाँ पे जो है, और बेशक वो लोग जिन जो दिए गए किताब, अलबत्ता वो जरूर जानते थे कि ये हक है उनके रब की तरफ से। यहाँ किसकी तरफ इशारा है, उलमा यहूद की तरफ इशारा है, क्योंकि उनकी किताबों में ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी जो आएंगे उनका किबला बैतुल्ला होगा। लेकिन वो आप हम पहले भी पढ़ा है कि वो अपनी किताबों में इस इल्म को छुपा जाते थे, तो वो नहीं बताते थे। अल्लाह ताला ने इसी बात में कहा गया कि बेशक
बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई थी यानी कि उलमा यहूद तौरात में ये सब बातें थी कि उनका वो अपने रब की तरफ से कि यही हक है और अल्लाह ताला जो वो अमल करते हैं यानी कि जो छुपाते थे वो सब अल्लाह ताला को बेखबर नहीं, अल्लाह ताला को सब पता है। वा और लाइन अगर अतैता लाए तो अतैता लाए, फिर यहाँ पर देखें ता के ऊपर फतह आ गई यानी कि तुम की जमीर है यानी कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वला इन अतैता और अगर तू लाए अल्लज़ीना उन लोगों के पास उतुल किताबा जो दिए गए किताब बिकुल्ली हर तरह की आयतिन कोई भी निशानियों में से कोई निशानी माँ नहीं तब वो पैरवी करेंगे किबलता का किबले की आपके का आपके वमा और नहीं अंता आप यानी तू भी ताबेइन भी साथ ताबेइन इत्तबा करने वाले किबलता किबले की हम उनके वमा और नहीं दुहम बाज उनके भी ताबेइन पैरवी करने वाले किबलता किबले की दिन बाज के। वला इन और अलबत्ता अगर यहाँ पर देखें ला आगे ला के ऊपर फतह है तो इसका मतलब जरूर फॉर श्योर। वला इन और अलबत्ता अगर इत्तबाता पैरवी करेगा तू अहवा अहुम हवा की जमा अहवा ख्वाहिशों की हम पहले भी बता चुके हैं ये अगर तुम पैरवी करोगे ख्वाहिशों की हम उनके मिम्बादी बाद इसके माँ जो जा आका आई तेरे पास मिनल इल्मे इल्म से इन्नका बेशक तू इवन तब उस वक्त ला अलबत्ता जरूर हो जाएगा मिनस से जालिमीन जालिमों में से। अब यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया जा रहा है कि और कि अगर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि अगर आप इनके पास कोई भी निशानी ले आए यानी कि उलमा यहूद के पास या नॉन बिलीवर्स के पास या कि जो नहीं जो किबले के ऊपर इतना शोर और हंगामा कर रहे हैं अगर आप इनके पास कोई भी निशानी ले आएंगे कि आप कि ये आपके किबले की पैरवी करने लगे तो ये कभी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना ही आप रसूल सल्लम उनके किबले की पैरवी करोगे। ये भी अल्लाह क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं पैरवी करने वाले थे फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्ना वो आपके किबले की अगर आप कोई भी बड़ी से बड़ी भी निशानी इनको पेश कर दो इन्होंने क्योंकि इनके पास तो इल्म है लेकिन फिर भी ये झुठला रहे हैं तो ये आपके किबले की पैरवी करने वाले नहीं और ना ही आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हो। और फिर फरमाया और बाज इनके तो बाज अपने आपस में एक दूसरे की पैरवी नहीं करते ये तो दोनों अपने अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं लेकिन ये तो बैतुल मुकद्दस को अपना किबला मानते हैं लेकिन ये तो अपने किबले की खुद एक दूसरे की पैरवी नहीं करते क्योंकि यहूद जो है ये बैतुल मुकद्दस के मशरिक की तरफ रुख करके अपनी इबादत करते हैं और जो नसारा है नहीं मगरिब की तरफ सॉरी और जो नसारा है वो मशरिक की तरफ रुख करके वो करते हैं हैकले सुलेमानी के वेस्ट साइड पर कौन करते हैं यहूद और ईस्ट साइड पर नसारा फेस करके किबले की तरफ पैरवी इबादत करते हैं और ये तो एक दूसरे की पैरवी नहीं करते एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते तो ये आपके किबले की कहाँ से पैरवी करेंगे। तो अगर आपने क्योंकि देखें इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना सूरह मरियम में कि सूरह मरियम जब जब उनके अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को भेजना था इस दुनिया में तो वो मशरिक किनारे हैकले सुलेमानी के मशरिक के किनारे पर जाके उन्होंने पनाह ले ली थी राइट। तो ये इसलिए कि वो उनके मशरिक साइड पर वो पैरवी करते हैं इत्तबा करते हैं और यहूद जो हैं हैकले सुलेमानी या बैतुल मुकद्दस के वेस्ट साइड पर रुक करके अपना किबला मानते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो अपने किबले की ये दोनों पैरवी नहीं करते तो ये आपके किबले की कहाँ करेंगे।
और फिर फरमाया कि अगर आपने उनकी पैरवी की, उनकी तबाह करी, कोई आप सजम करने लगे थे, वो तो नहीं करते, पर हमारे लिए भी मैसेज है कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की कि ये समहाउ खुश हो जाएं और ईमान है, तो ये कभी भी नहीं लाएंगे, ये कभी खुश होने वाले नहीं है। क्योंकि हवा, ख्वाहिश को हवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हवा उठा के गिरा देती है, इसी तरह ख्वाहिशात नफ्स भी इंसान को गिरा देती है। हम ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर अब आपके पास इल्म आ चुका, लेकिन जब किसी के पास इल्म नहीं है तो वो किसी की पैरवी करते हैं तो उसको गुनाह नहीं, लेकिन अगर इल्म आने के बाद गलत इंसान की पैरवी की जाए तो फिर तो पूछ होनी है ना। तो फिर तो यह है कि आप अपने आप सल्लम के लिए तो नहीं था, ये हमारे लिए है। उनको ड्रेस करके हमें बताया जा रहा है कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तब आप जरूर जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना, वो लोग के, आतई ना दी हमने उनको किताब, किताबा किताब, या अरिफूना, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिनको हमने किताब दी, यानी कि तौरात जिनको हमने दी बनी इसराइल को, या अरिफूना, या यहाँ पे फिर मदारे आ गया, या अरिफूना, अर्फ जो तारुफ होता है वो भी इसी से, आइन राफा, यानी कि पहचान, किसी तारुफ किसी की पहचान होती है ना, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि या अरिफूना, बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई वो पहचानते हैं इसको। किसको पहचानते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हु की जमीर किसकी तरफ है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो बेशक वो पहचानते हैं रसूल सल्लम को, कमा जैसे के, या अरिफूना, वो पहचानते हैं अब ना अब बेटों को, बन इब्न एक बेटा, अब ना प्लूरल, के जैसे वो पहचानते हैं अब ना हम अपने बेटों को। क्योंकि हर बंदा अपने बच्चों को जितना पहचानते है किसी और को तो नहीं पहचानता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात बताई है कि जो बनी इसराइल को किताब दी गई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। वह इन्ना, और बेशक, फरीकन, एक फिरका, मिन हम उनमें से, ला जरूर, यक्तुमुन, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जरूर छुपाते हैं, अल्हक का, हक को, वा और हम वो, या अलमून, वो जानते हैं। क्योंकि ये उलमाई एक फरीक उनमें से, देखिए सारे लोगों के पास तो इल्म नहीं था, राइट, लेकिन एक फरीक उनमें से जिनके पास इल्म था, जिनको किताब दी गई थी, उनमें से जो उलमाई यहूदी के बारे में ज्यादा है, कि वो आपको इस तरह पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है, और बेशक वो छुपाते हैं हक को, और वो जानते हैं इस चीज को कि वो हक को छुपा रहे हैं, फिर भी छुपाते हैं। क्यों? जिद की वजह से, हसद की वजह से। अल हक्कु, हक है, मिन रब्बी का, मिन से, रब्बी, रब का, तेरे पर, तेरे रब की तरफ से हक है, वापस ला नहीं, तकुना, तकुनन्ना, ता तुम कूना हो जाना, अन्ना जरूर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फसिस दिया नजर आ रहा है, क्योंकि नून के ऊपर जब तशदीद आती है तो इसकी एम्फसिस ज्यादा बढ़ जाती है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हक तेरे परवरदिगार से, हक की तरफ से हक है, बस मत हो जाना, हरगिज ना हो जाना, मीनल से, मुमतरीन, हमने क्या कहा था, मीम रा या, इसके रूट लेटर्स हैं, पहले में बता चुके हैं, मुमतरीन, शक करने वालों में से, मरी का मतलब शक, और जैसे रईब भी शक है, लेकिन ऐसा शक जो इंसान को बेचैन कर दे, ये उसके बारे में आता है, कि अलबत्ता ये जरूर हक है तेरे परवरदिगार की तरफ से, पर हरगिज ना हो जाना कि तुम शक करने वालों में से। क्योंकि देखिए जब मुमतरीन फाइल के उसमें आ जाता है कि करने वालों में से, वा और लिकुल्ली वास्ते उसके,
अब मुझे लगता है कि ये आज का सेशन हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन फिर पूरा एक रुकू और रहता है, तो इट विल बी अ लॉन्ग रुकू। इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।